मैं हूं आपके साथ नम्रता शर्मा। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, राजू श्रीवास्तव को हार्ट अटैक आया है, जिसके बाद उन्हें दिल्ली के एम्स अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बताया जा रहा है कि सुबह वो एक्सरसाइज कर रहे थे, ट्रेडमिल पर वो एक्सरसाइज कर रहे थे, अचानक से वो बेहोश होकर गिर गए। आनन फानन में उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां पर डॉक्टर्स ने उनको बताया कि उनको दिल का दौरा पड़ा है। सीनियर्स जो डॉक्टर्स हैं उनकी निगरानी में राजू श्रीवास्तव को रखा गया है। हालांकि जो रिपोर्ट सामने आई है उनके मुताबिक राजू श्रीवास्तव की हालत नाजुक है, इसीलिए डॉक्टर्स उन पर बराबर नजर बनाए हुए हैं, उनका इलाज चल रहा है। और दूसरी तरफ फैंस को जैसे ही ये खबर मिली, फैंस परेशान हो गए हैं। आपको बता दें, राजू श्रीवास्तव पिछले काफी दिनों से दिल्ली में ही थे, ऐसे में जब वो सुबह वर्कआउट कर रहे थे तो अचानक से बेहोश होकर गिरे, और उसके बाद बताया गया कि उनको हार्ट अटैक हुआ है और अब उनका इलाज चल रहा है। दुआ यही कर सकते हैं, उम्मीद यही कर सकते हैं कि जल्द से जल्द ठीक होकर राजू श्रीवास्तव वापस आ जाएं और फिर एक बार अपने फैंस को उसी तरीके से एंटरटेन करें जैसे कि वो करते हैं। बता दें आपको, राजू श्रीवास्तव अक्सर विपक्षी दलों पर कमेंट करते हुए नजर आते हैं, मोदी योगी के फेवर में बात करते हुए नजर आते हैं। यूपी विधानसभा चुनावों के दौरान भी राजू श्रीवास्तव का एक अलग अंदाज देखने को मिला था, अपने कॉमेडी भरे अंदाज में वो दूसरे नेताओं पर तंज कसते हुए नजर आए थे, जिसकी चर्चा खूब हुई। आपको बता दें, राजू श्रीवास्तव के दोस्त और कॉमेडियन सुनील पाल ने हालांकि 2 घंटे पहले ही अपडेट दिया है कि उनकी हालत में अब धीरे धीरे सुधार हो रहा है। यह सच है कि कॉमेडी किंग राजू श्रीवास्तव को दिल का दौरा पड़ा था, उन्हें एम्स में भर्ती कराया गया था और अब उनकी तबीयत बहुत अच्छी है। आप सबकी दुआ से, ईश्वर की कृपा से, और बहुत अच्छी तबीयत है, वो खतरे के बिल्कुल बाहर है। और राजू भाई गेट वेल सून, हम सब आपसे बहुत प्यार करते हैं, अच्छी हो जाइए। और सबके लिए बहुत खुशी खबर है कि अब वो बिल्कुल ठीक है, बहुत अच्छे हैं, और हम उनको मुंबई में इंतजार करें अभी दिल्ली में।